तो बच्चों अब हम शुरू करने जा रहे हैं इस क्रिसमस मेले का आखिरी कॉम्पिटिशन, जो कि है पंजा लड़ाने का कॉम्पिटिशन। पहले दो मुकाबले से मुझे मेरे दो सेनापति मिल गए और मुझे पूरा विश्वास है कि इस तीसरे मुकाबले से मुझे मेरा तीसरा और आखिरी सेनापति भी जरूर मिल जाएगा। लेकिन सर ये कॉम्पिटिशन तो मोंटो एकदम आसानी से जीत जाएगा। नो, मानव इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पंजा एक दूसरे से नहीं लड़ाना है, बल्कि एक ऐसे आदमी से लड़ाना है जो जिंदगी में कभी नहीं आ रहा। हाँ, एक हट्टा कट्टा इंसान जिसका नाम है संतोष शेट्टी। इनसे पंजा लड़ाना है आप लोगों को। ये मुकाबला लग जरूर रहा है ताकत का, पर दरअसल यह है परीक्षण आपकी ताकत और उसके साथ आपकी जीत के दृढ़ निश्चय, क्योंकि इस मुकाबले का विजेता वही बन सकता है जो दिमाग में ठान ले कि सामने दुश्मन आपसे कितना भी ताकतवर क्यों ना, लेकिन आप उससे जीत सकते हैं। हाँ तो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मानव और मेहर ने एक एक कॉम्पिटिशन जीत कर सांता क्लॉस बनने के लिए अपनी जगह बना ली है। अब देखते हैं कि ये कॉम्पिटिशन कौन जीतता है और कौन सांता क्लॉस बनता है। सर, ये लास्ट एंड फाइनल कॉम्पिटिशन मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी जीतेगा। ये मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का वादा है। तो ठीक है, अगर तुमने बेमानी नहीं की मोंटू, तो इसे जीत कर मेरे तीसरे सेनापति भी तुम बन सकते हो। है एक उंगली से आज तक मेरे पैर नहीं पड़ा। लाओ शातिर परी, चाबी का दूसरा हिस्सा दो। ऐसे सर झुकाकर क्यों खड़ी हो हमारे सामने शातिर परी?
तुम्हें विद्यार परी से चाबी का दूसरा हिस्सा नहीं मिला क्या? वो महाविनाशनी, वो अभी भी समय है महाविनाशनी, संभल जा। जिस तरह शातिर परी का सर झुका हुआ है, बहुत जल्द तुम सबका भी सिर झुका हुआ होगा रानी परी के सामने। शातिर परी, क्या हम ये समझे कि तुम परियों से हार कर खाली हाथ आई हो? शातिर परी कभी खाली हाथ नहीं लौटती। महाविनाशनी के सामने तुम्हारा यही हारा हुआ चेहरा, हैरानी वाला चेहरा देखने के लिए मैंने ये सब किया था। शाबाश शातिर परी, लेकिन विस्तार परी कहाँ? विस्तार परी कहाँ है? यहाँ पर विस्तार परी मेरे कैद में। तुम्हारे विनाश की ओर बढ़ते हुए मेरे कदम देखा, चाबी के दो हिस्से मेरे पास आ चुके हैं। दो हिस्से और आते ही परियों, परिलोक का, बालवीर का, दुनिया के सब कोने में से सभी अच्छाई का एक साथ अंत करूंगी मैं। एक साथ, एक साथ, एक साथ। अरे मोंटू हार मान जा, तू कभी नहीं जीत पाएगा। हाँ मोंटू हार जा, निकल जा इस खेल से। नहीं बॉस, हार मत मानना। हाँ मोंटू, जीतना है तो जोर लगाओ, वरना मुझे मानव और मेहर में से किसी एक को सांता क्लॉज बनाना पड़ेगा। नहीं सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा जीतने की और जी जान लगा कर ये कॉम्पिटिशन जीतूंगा और सांता क्लॉज बनकर ही रहूंगा। और अब तुम होगे मेरे तीसरे सेनापति,
जिसके साथ मिलकर मैं एक ही समय पर एक ही साथ उन चारों सेनापतियों का अंत करूंगा। पता नहीं परीलोक में सब कुछ ठीक होगा भी या नहीं। हम खुद जाकर एक बार देख कर आते हैं। नहीं नहीं, इस समय तो चाबी के इस हिस्से की सुरक्षा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हमें यहीं छिपकर रहना होगा। परी तो हमें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गई। यहाँ तो फूल पत्थर नदी झरना सब कुछ है। यहाँ बाल परी को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा शातिर परी। हम सिर्फ दो कदम दूर है इस पूरी पृथ्वी से सच्चाई का अंत करने से। हाँ शातिर परी, बस चाबी के दो और हिस्से मिल जाए फिर हमारी सेना जीवित हो जाएगी और बुराई का साम्राज्य हर जगह फैला देगी। हमारी चिंता सही थी। महाविनाशनी को चाबी के दो हिस्से मिल गए हैं, लेकिन अब शातिर परी को हमसे चाबी का ये तीसरा हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। ओ दंशिका, मत देखो जीत के सपने अभी, क्योंकि है भले ही फंस गई गाल परी और विस्तार परी हमारे चाल में, लेकिन आएगी नहीं बाल परी तुम्हारे बहकावे में इतनी आसानी से। आएगी, जरूर आएगी। बाल परी खुद हमारे सामने आएगी और अपने हिस्से की चाबी मुझे देगी। अच्छा, करेगी वो ऐसा क्यों? है लगती क्या वो तुम्हारी चाची? चाची नहीं लगती, लेकिन बालवीर की माँ तो लगती है ना। इसलिए मैंने दो सेनापति को भेजा है, लोहावार और वज्रवार, बालवीर को एक हारा हुआ सिपाही बनाकर यहाँ लाने के लिए। और तुम्हें लगता है शातिर परी कि बालवीर को देखकर बाल परी हमारे सामने आ जाएगी? इतनी आसानी से नहीं। इतनी चोट पहुंचाएंगे, इतनी चोट पहुंचाएंगे कि उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर बाल परी को यहां आना ही पड़ेगा। वाह शातिर परी, ये तो बहुत ही अच्छी योजना है। अब हम बालवीर को कैसे सावधान करें कि उनकी और एक बहुत बड़ा खतरा बढ़ रहा है? कैसे? ये सेनापति यहां, इन्हें तो परियों को ढूंढना चाहिए क्योंकि परियों के पास चाबी है। तो फिर ये बच्चों पर हमला क्यों कर रहे हैं?
अच्छा हुआ बालवीर कि तुम खुद हमारे सामने आ गए, वरना तुम्हें ढूंढने के लिए बेकार में इन बच्चों को परेशान होना पड़ता। तुम बच्चों को परेशान क्यों कर रहे हो? बच्चे तो सिर्फ मोहरा है बालवीर, हम तो तुझे यहाँ लेने आए। लेकिन अफसोस, तुम दोनों को यहाँ से खाली हाथ वापस जाना होगा। वो तो देखते हैं। बालवीर! बालवीर! बालवीर जी! अच्छा है तो चलो लड़ाई शुरू करते हैं। मारो मार, भाग जाओ। मानो मैं, ये दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। तुम दोनों में हिम्मत बहुत है, लेकिन तुम इसे लड़ नहीं पाओगी। चले जाओ यहाँ से, छुप जाओ। नहीं बालवीर, ऐसा सब... मानो मेहर, मेरी बात मानो, जाओ यहाँ से। बालवीर, हम तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। मानो मेहर, जाओ यहाँ से, मेरी बात मानो, जाओ। नहीं बालवीर, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकते। वैसे भी जब तक इन चारों सेनापतियों का एक साथ में अंत ना हो, ये समाप्त नहीं होगी। तो अगर इस समय मैं इनसे यहाँ लड़ा तो बच्चों पे खतरा हो सकता है। पहले तुमने हमें मार लिया, अब हमारी बारी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.